इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो आपके पास है नहीं इसका, है ना, कोई स्टैंडर्ड एकदम फॉर्म तो है नहीं, अपीयर करानी पड़ेगी, तो एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इसको हम अगर मान लीजिए नीचे से अंडर रूट एक्स कॉमन कर लें, है ना, नीचे आप अंडर रूट एक्स कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट एक्स बचेगा और यहाँ माइनस वन बचेगा। अच्छा, ये अंडर रूट एक्स को हम यहाँ लिख सकते हैं वन बाई अंडर रूट एक्स, ऐसे लिख सकते हैं आप वन बाई अंडर रूट एक्स। अब आप ये सोचिए कि अंडर रूट एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव क्या आएगा, ठीक है, देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस वन, ये क्या हो जाएगा आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वन बाई टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वन, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो माइनस इसका क्या आएगा वन बाई टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, मतलब इसे क्या लिख सकते हैं वन बाई अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। तो फाइनल क्या आंसर आया, वन बाई टू रूट एक्स, मतलब अगर हम इसे कहते हैं ये हमारा एफ एक्स है तो ये एफ डैक्स हो सकता है, बसरते ये टू एडजस्ट कर लिया जाए, ठीक है, तो ये एफ एक्स है तो ये क्या है एफ डैश एक्स है, ये आपको ऑब्जर्व होना चाहिए, इसके बाद ही आपसे क्वेश्चन, ठीक है, ये फॉर्म अपीयर हो गई तो आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। खैर, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू टाइम्स सॉरी टू ये है लॉग ऑफ एफ एक्स मॉड एफ एक्स, मतलब अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस इंडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी हो गया, मॉड प्लेस करिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर देखिए एक्स की वैल्यू अगर मान लीजिए हमने वन बाई फोर रख दी, ठीक है, तो ये माइनस कितना आएगा आपका वन बाई टू आएगा, माइनस वन माइनस वन बाई टू आएगा, और लॉग नेगेटिव नंबर पे डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू लगाना जरूरी है, ठीक है, ताकि वो डिफाइंड रहे।